हम लोग साथ हो गए स्कैम एक। कौन है यहाँ के? हेलो, फाइनली यहाँ खारजू मंगला टॉप पे तो पहुँच चुके हैं। हाँ, और एक चीज़ और थी जो मैं कह रहा था कि बाइक अलाउड है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेरी गुड मॉर्निंग तो इस व्यू के साथ ही होगी ना। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं सिल्क रूट पर। तो सिल्क रूट से आप लोग समझ ही गए होगी सिल्क रूट क्या होता था। बेसिकली एंशियंट टाइम पे ये ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। तो सिल्क रूट बेसिकली है जब आप लोग लेह से निकल के टूवर्ड्स नुब्रा जाओगे तो इसको पूरा सिल्क रूट बोलते हैं। और जब हम तुर्तुक जाएंगे वो भी सिल्क रूट में कवर होता है पूरा। तो बेसिकली जो सिल्क रूट है उसमें था जो पनमिक विलेज है वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है। तो वहाँ पे जो सिल्क रूट से जो निकलते थे ट्रेडर्स जो सेंट्रल एशिया साइड जाते थे वहाँ पे उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था। देन उसके बाद आगे जाके वहाँ पे नुब्रा रिवर के बैंक्स पे उन लोगों को वहाँ पे कैंप दिए जाते रेस्ट करने के लिए। तो बेसिकली ये छोटा मोटा सा मैंने एक हिस्ट्री बता दी आप लोगों को कि सिल्क रूट है क्या। थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, मतलब मैंने भी आज सुबह ही देखा कि होता क्या। बेसिकली लास्ट टाइम आया था तब मेरे को इतना नहीं पता था कि इसको सिल्क रूट बोलते हैं। इस टाइम मेरे को पता लगा तो मैंने इसलिए आप लोगों को भी बताया। तो बेसिकली आज हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स नुब्रा जो कि मेरी फेवरेट जगह में से लद्दाख की। मेरे को उससे अच्छी जगह कोई नहीं लगती, बेशक पैंगोंग हो, सोमरीरी हो, हानले हो, कोई भी। वहाँ पे ना बहुत अच्छी वाइब है। 11 बजे रात को लाइट्स आउट हो जाते हैं, कहीं पे लाइट नहीं मिलेगी आपको, लाइट चली जाएगी। 11 बजे से पहले पहले आपको सारे कुछ चार्ज करना है। फिर उसके बाद वहाँ पे आपको कैंप्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे शायद बार बार भी बहुत चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ है वहाँ पे। आपको सैंड ड्यून्स में आप लोग कैमल राइड कर सकते हो। डबल हम कैमल्स होते हैं नुब्रा में। तो बेसिकली यही सब रहेगा। हम लोग खारदुंगला होते हुए डिस्किट मोनेस्ट्री होते हुए पहुँच जाएंगे नुब्रा। तो आज का कुछ ऐसा ही प्लान रहेगा। तो फिलहाल 9 बज चुके हैं सुबह के और ब्रेकफास्ट करना और टैक्सी आ चुकी है। हम लोग आधा घंटा है डिले चल रहे हैं। तो फटाफट अपना चलते हैं और अपना बैग पैक कर चुके हैं हम। तो नीचे चलते हैं फटाफट, मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं इसे ही। तो बाकी अब इस व्यू को तो 2-4 दिन के लिए बाय करना पड़ेगा क्योंकि आज हमारा day 3 इन आइटनरी। याद रखना day 3 हो चुका है और day 3 में हम लोग जाएंगे नुब्रा, day 4 में जाएंगे हम तुर्तुक, day 5 में हम जाएंगे पैंगोंग, देन day 6 होगा हमारा जिसमें हम पैंगोंग से ले आएंगे, फिर 7 डे पे हम लोग बैक टू दिल्ली। तो ये कुछ रहेगा तो आप लोग को याद रखना। और लास्ट डे वाला होटल भी हमारा सेम रहेगा और यही रूम रहेंगे हमारे। तो चलो लेट्स गो, मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी हम लोगों के होटल से हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल गया। ये कुछ इसके रिसेप्शन है और यहाँ पे खाने का था और यहाँ पे बाहर बैठने की जगह थी और टैक्सी हो रही बाहर। तो बाकी मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट डे पे। चलो सही है, देख ले भैया। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं परमिट के लिए। वेलकम टू नुब्रा वैली। ये बाइकर्स आ रहे हैं, इनको रोक के परमिट तो शायद इनको भी लगता है। वो सामने कर दूंगा ऊपर। वही ना भी हमारे भी आए गए बात करने के लिए वहाँ पे पूरे सामने बहुत सारे बाइकर्स हैं। देखो यहाँ पे खारदुंगला के रास्ते में अभी रोड चौड़ी का काम चल रहा है तो पूरा ऑफ रोड ही हो रखा है। शीशा बंद है, नहीं आएगी पूरा। यहाँ पे 2 लेन कर देंगे और नीचे 4 लेन। तो अभी हम लोग यहाँ साउथ कुल्लू पहुँच चुके हैं, यहाँ का चेक पॉइंट है। और उस साइड ऊपर खारदुंगला और परली साइड नॉर्थ कुल्लू है। व्यू देखो आप लोग यहाँ से। बादल बादल वापस। अभी हम लोग ऑलमोस्ट खारदुंगला के पहुंच चुके हैं। ये आपको दिख रहा होगा टावर और इसके मतलब बैक साइड में है। और यहाँ पे ट्रैकिंग होगी 1 मंथ के बाद। गंगलेश बोलते हैं इसको। पहले तो कहते कि काफ़ी नीचे तक बर्फ़ थी बट आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखो बिल्कुल फ्रेश स्नो है यहाँ पे भी और वहाँ पे भी।
बाकी यही है यहाँ पे, नाक से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो, और कम से कम बोलो, वही है। तो अभी थोड़ा मैं भी धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि सांस ना फूले। बाकी ये देखो हर जगह लोग गंदा करने की आदत लोगों की बहुत ज़्यादा हो चुकी है हर चीज़ को। कोई नहीं, क्या कर सकते, चलो यहाँ भी इतना ट्रैफिक हो रखा है, अभी पार्किंग की बहुत दिक्कत रहती है ना। बस यही है सामने खरीदूंगा, बस तो यहीं लिखा हुआ है, इसी को लगा लो आप। कोई नहीं, देखते अभी तो उतर गए, यहीं पे ही खड़े होते, मैंने तो ज़्यादा चलने का प्रेफर कर नहीं रहा। फ़ोटो खींचू एक सेकेंड, यहाँ खरीदूंगा टॉप पे तो पहुँच चुके हैं। हाँ, और एक चीज़ और थी जो मैं कह रहा था कि बाइक्स अलाउड नहीं है, बहुत छोड़ है मैं चीज़ बोल रहा था ना, बाइक्स अलाउड नहीं है, वो एक्चुअली क्या था, तब स्नोफॉल हो रही थी इसलिए मना किया हुआ। पता नहीं क्या है ये पूरा, यहीं पे फोटो खिंचवाने के लिए मारा मारी होती है, पहले तो बाइक चला उठती अब अलाउड नहीं है। ओम नमः शिवाय। इसी बार हम आए थे, हाँ अभी भी है, वहाँ पे हमने स्लाइड करी थी, बढ़िया। कोई नहीं, अभी बहन और घर वाले आ जाए, एक बार फिर फोटो क्लिक कराते हैं यहाँ पे, फिर आगे निकलते हैं यहाँ से। आगे का रास्ता ही बहुत सुंदर है, तो वहाँ पे भी रुकेंगे आगे चल के, साउथ कुल्लू में, नहीं सॉरी नॉर्थ कुल्लू में। ओके गाइस, माइटी खरदुंगला जो पहले वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड होती थी, लेकिन अब नहीं है, अब उमलिंगला है, वो भी करूँगा कवर अप जल्दी। बट यस, मैंने चीज़ देखी, जब लास्ट टाइम मैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, इस टाइम नहीं हो रही, तो मतलब फ़र्क पड़ता है, दोबारा रिपीटेड ट्रैवल करते ना, मैं स्थिति शिशु काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो फ़र्क पड़ रहा है, इट्स गुड फॉर अस। बाकी यहाँ पे मैं अभी भी रिकमेंड करूँगा, ये खाने का दे रहे हैं, प्लीज़ मत खाना, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है आप लोग को, अगर ब्रीदिंग इशू अगर एक बार आपको हो गया, ट्रिप ख़त्म। वॉमिटिंग मैंने बहुत लोग देखे यहाँ से पार करके, वॉमिटिंग करते हुए, आइस को येल्लो करते हुए। नहीं चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, देखना ऊपर क्या हाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों का ट्रैफिक लग गया हो, उतर इसकी है, वहाँ पे ना बर्फ़ है सारी। एक स्लिप हुआ सारे नीचे, और एक धुआं, इतना धुआं छोड़ रही है ना ये, देख सकते हो आप कितना ट्रैफिक है, क्या करें। बट टूरिस्ट इंक्रीज होता जा रहा है, रोड वो भी 4 लेन 2 लेन कह रहे करते जाएंगे तो और क्या होगा। आपको देख रहा था पापा हो रहे हैं सामने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बर्फ़ में रुकने की चाह थी, बर्फ़ में तो आ चुका है, ये रही बर्फ़ सारी। अब आई डोंट नो मेरे जूते स्लिप करेंगे। बस यहाँ भी लोग आते होंगे, सारी ब्राउन ब्राउन हो गया। बढ़िया बर्फ़ है यहाँ पे, क्योंकि अभी स्नोफॉल हुई है ना, ऊपर भी आप देखो क्लाउडी है, थोड़ा सा और हो जाता तो मज़ा आता, स्नोफॉल भी देखने को मिली जाती। हाँ दिख रही है स्नो, मेरे मुंह पे आई थी अभी उठती हुई, वही है, भागते भागते कुछ नहीं, लास्ट टाइम तो भागते निकल गए थे, थोड़ा अगर नॉर्मल फील हो रहा है तो एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। बाकी वही है खरदुंगला कहाँ से आए हम, ये रही हमारी टैक्सी, सॉरी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये हमारे टैक्सी वाले भैया, और भैया कैसे हो भैया, भैया चिल करो एंजॉय, बर्फ़ भी छुआ दी हाथ में, ठंडे ठंडे हाथ हो गए। चलो बाकी बस थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा तो रोड पे ना। पूरी ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग ऑफ रोडिंग,
अभी तो सारा काम ही चल रहा है। ये देखो अब तो धूप भी काफी तेज है आज यहाँ भी। पहुंचते हैं अभी तो कहाँ, कोकसर कहाँ रुकेंगे हम लोग, कौन सा वो जगह है, खालसर, खालसर कोकसर बोल रहा हूँ, कोकसर तो कहीं और है, खालसर रुकेंगे हम लोग। फिर बीच में रोड आ जाती है, फिर ऑफ रोडिंग आ जाती है, यही खेल चल रहा है रोड का। और ये ट्रक्स की वजह से बहुत दिक्कत है कि बहुत पॉल्यूशन छोड़ते हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे खाना खाने के लिए, ये जगह का नाम है खालसर और काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पे। यहाँ बैठना, अंदर बैठना। नहीं बैठे हैं, अंदर नहीं बैठते। ये पूरा इस साइड, नुब्रा इस साइड ले, और पहले पैंगोंग का भी इधर से था, लेकिन अब पैंगोंग का रास्ता चेंज कर दिया, उधर से कर दिया रिवर की दूसरी साइड से। चलो अभी फ्रेश होते हैं, पहले मुँह हाथ धोते हैं, फिर अपना खाना वाना खाएंगे यहीं पर। ये है होटल का नेम, यहाँ पे हमने स्टिकर विकर्स भी लगा रखे हैं, अपने पे तो है नहीं, कल को जब हम भी थोड़े फेमस होंगे हम भी लगाएंगे फिर ज़रूर। यहाँ पे मैंने देखा डोंकी भी बिस्किट खा रहा है, शाकाहारी, वैसे शायद ये वही खाते, घास फूस तो खाते हैं। चलो चलते हैं वापस गाड़ी में, आ गए अब चलते हैं। ये देखो पानी कितना बढ़िया लग रहा है, कलर देखो इसका, ये आपको पीछे की साइड से आता है, श्योक रिवर है ये पूरी, नीला पानी है, नीला पानी, और गलवान घाटी की साइड से आता है। जब लास्ट टाइम मैं आया था तो मैंने यहाँ पे एटीवी चलाई थी, यहीं से ही सेंटर है वो, और यहीं से गए थे हम लोग आज यहाँ। तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ है, पिछली बार तो बस हम ही थे और कोई भी नहीं था। ये देखो वेटिंग चल रही है भाई, ये देखो कितने लोग हैं, बहुत पीछे घुमा के लेके आते हैं, स्टंट वेंट भी करवाते हैं लोग। और ये आपको आगे येलो येलो दिख रहा है, ये यहाँ का वो है जिप लाइन, सबसे हाईएस्ट जो बताते हैं। ये देखो ये टीवी चला रहे हैं, ये जब मैंने चलाई थी वहाँ चलाई थी, और उसमें स्टंट करवाए थे उन्होंने, कह रहे फुल रेस दे के रखो और कूदवाती थी हम। दुकान पे ये था, कौन सी जिप लाइन जो है वो वाली अलग है, वो हाईएस्ट वाली ऊपर से है, हाँ टॉप से आएगी, वहाँ से नहीं आ रही, हो वहाँ से आ रही हो, खड़े हो देखो लोग ऊपर आने के लिए, इधर से आ जाएगी ये उधर। तो हमारी गाड़ी हो चुकी है पंचर, मेरे को एकदम से ना आवाज़ आई चलते टायर में, जैसे होती है ना कि हवा निकली, घूम रहा था रोटेशन होती तो रोटेट के साथ साथ आवाज़ आ रही थी। बाकी व्यू देख लेते इतने, हम भी मैंने तो बोलता भाई हेल्प चाहिए, तो कह रहे नहीं नहीं कोई नहीं। ये मेरे को लग रहा था यहाँ कोई विलेज विलेज होगा, वो कह रहे ये नाला है पूरा, पता नहीं घर तो, हाँ नहीं गिर नहीं रहे वो, ऊपर खड़े हैं। आपको अगर सियाचिन जाना है तो इस साइड होता है, और तुरतुक इस साइड है हमारा गांव, जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर और सियाचिन इधर से जाते हैं। काफ़ी 126 किलोमीटर है यहाँ से भी, जहाँ पे अभी हम हैं एग्जैक्ट यहाँ से। तो ऑफ करनी है गाड़ी, देख लो जैसे वो बोलेंगे कि, देखो कैसे रुके हुए हैं पत्थर, ये भी ना एक वो है मतलब जेन्युइनली, ऊपर देखो आप नीचे देखो। बाकी ना ये भैया भी बता रहे थे कि जो ये पक्के वो है ना पत्थर है, जो पक्के पक्के, इनके नीचे मिट्टी होती है कच्ची बिल्कुल, तो वो ऊपर जब वो निकलते तो इनको यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पत्थर भी यहीं से मिल जाता है, मिट्टी भी यहीं से मिल जाती है। सही है, चलो कोई नहीं, डिस्क्रिट मॉनेस्ट्री है बस पहुँचने वाले, हम लोग दिख ही रही थी अभी यहाँ से, वहाँ चल के बस पंचर लग जाएगा फिर चलते हैं। ब्रो कैसा लग रहा है टैक्सी चला के? ब्रिंग मी बैक, टैक्सी नहीं नोवा कहते हैं, सदा बाहर गाड़ी है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री, इन्होंने बताया था कि उसको डिस्किट मतलब कुछ और नाम भी बोलते हैं यहाँ पे ना, ये सामने। चलो अभी चलते हैं ऊपर, फिर वहाँ जाके आपको क्लियरली दिखाते हैं। बाकी ये और इनकी वो है जहाँ पे इनके मॉनेस्ट्री, जहाँ पे लामाज वगैरह जो रहते होंगे,
तो चलते हैं अभी ऊपर। यहाँ पे एंट्री टिकट थी और टोटल 160 लगे हमारे चार बंदों के। तो हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पे स्टैचू है 108 फीट है ना, 108 फीट पे है। सेकेंड हाईएस्ट है आएगा से, इससे लंबा भी है एक आएगा सिक्किम में या स्पीति वाला, नॉट एट कन्फर्म, तो ऐसे क्लेम नहीं कर सकते। 108 फीट की बाकी ये रहा मैं। और बैक साइड हमारे हुंदर है। कौन सी जगह है ये? ये डिस्किट मॉनेस्ट्री नुब्रा वैली दीक्षित। ये आपके इस साइड हुंदर हो जाएगा और आगे तुरतुक जाएंगे। यहाँ पर मॉनेस्ट्री है और ये ये रहे हम। बाकी पापा मम्मा अंदर की साइड गए, मैं नहीं गया क्योंकि जूते उतारने का मन नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गया था आई गेस, मेरे को याद है। तो कोई नहीं, एक बार ही हमने यहीं से हाथ जोड़ लिया था बुद्धा जी के। तो बस अभी यहाँ से यहाँ पे, हाँ मैं वैसे की दिखाता हूँ, यहाँ पे मॉनेस्ट्री में यहाँ पे मॉन्क्स वगैरह रहते हैं और नीचे हमारी टिकट वगैरह ली थी। सो बेसिकली बस यही सब है यहाँ पे, बाकी ये सब लोग यहाँ पे आते ही आते हैं। एक ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं आप। तो ये सैंड ड्यून्स आ चुके हैं यहाँ के नुब्रा के पूरे नीचे, ऐसे लगे जैसे समुद्र हो ना, लोग उतर के स्थान कहते हैं विंटर डेजर्ट। देखो पूरे दूर दूर तक यहाँ पे यही है। अब यहीं पे जाएंगे हम, थोड़ा पास चल के दिखाते हैं फिर आप लोगों को, नीचे की साइड चलते हैं अभी। तो फाइनली हम लोग नीचे पहुँच चुके हैं। जो अभी हमें ऊपर से जगह दिख रही थी वो हम यहाँ पे बिल्कुल सामने आ चुके हैं। तो एक इस ब्रिज से करें क्रॉस छोटे से। ओह ये ना कितना अच्छा लग रहा है जनरली। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो लोग बैठे बीच में, देखो गंद पड़ा है। अभी मैंने देखा था यहाँ से भी कैन वैन फेंके जा रही थी। और पीछे की साइड भी जो बिल्डिंग के वॉशरूम है इसके बैक साइड में बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। अरे यही चीज़ है मतलब यहाँ, अभी ये तो लोकल्स ही हैं जो बैठे देखो बीच में पानी के। एटलीस्ट इन लोगों को तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं क्या। कोई नहीं, अब तो क्या ही कह सकते हैं, बाकी तो चलो ठीक ही है। तो अभी हम सैंड ड्यून के ऊपर आ गए थे, जो मेन मतलब यहीं पे आते हैं मोस्टली ना फोटो खिंचवाने के लिए। और ये देखो डबल हम वाले कैमल्स हैं सारे, बहुत डिफरेंट होते हैं। मैं तो लास्ट टाइम जब आया था तो मैं तब तो बैठ गया था, तो मेरा अब कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं दोबारा बैठूं। ठीक है मेरे को इतना ऐसा कोई अलग सा कुछ नहीं लगा, बस ठीक है एक टाइम का एक्सपीरियंस होता है। मैंने लास्ट टाइम कर लिया, जो जो लास्ट टाइम कर लिया उस टाइम नहीं करना। नेक्स्ट टाइम फिर ये चीज़ें भी जो मैंने अब करी वो भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम तो वो जगह ही बदलनी है, कहाँ कहाँ जाना है। एक तो हान ले चलेंगे, सोमरी वो सब करेगा एक्सप्लोर। चलो अभी तो एक बार पापा और बहन तो बैठे हैं, अब इन लोगों को करते हैं कैप्चर, एक बार आपको व्लॉग में भी दिखाते हैं। चलता हूँ मैं अभी आगे। बाय गाइस। ये देखो तो पापा और चले गए, अब हम लोग भी देखते हैं। मम्मा यहीं बैठी थी मेरे साथ। बाकी यार एक चीज़ देखो आप कि ये पहाड़ कितने डिफरेंट डिफरेंट है, हर पहाड़ डिफरेंट है जो भी आप देख लो। ये देखो कैसे यहाँ पे ये बने हुए हैं, मतलब लद्दाख तभी तो इतना पसंद है कि हर मोड़ पे हर चीज़ नहीं दिखती है। तो यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है लद्दाख आने के लिए। तो आप देखेंगे अपना, आप कैंप वैम्प ढूंढेंगे यहाँ चल के, यहाँ पे तो हो गया। बाकी अब टैक्सी ढूंढना भी एक टास्क है और पंचर हो गई तो वो भैया भी अब जाएंगे जल्दी। तो मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट फ्री हो गए, उनको फ्री करते हैं पहले, ताकि कल तुरतुक जाना है, परसों पैंगोंग जाना तो वो मिस ना हो। तो कुछ ऐसा डे थ्री रहा हमारा। अभी मैं व्लॉग एंडिंग करेंगे, आपको चल के कैंप दिखाता हूँ फिर एंड करते हैं, ठीक है। कमल लेट्स, वापस से धूप आ गई है क्योंकि, अरे हमें एक और चीज़ बताना भूल गया था। यहाँ पे आज सुबह जब हम उठे थे, मैं 4 बजे करीब उठा था, 4:25 या 4:30 के अराउंड दिन आ गया था लद्दाख में। और दिन छिपता भी लेट है 8 बजे और सुबह भी जल्दी हो जाती है, मतलब कितना अजीब है। मेरे को ऐसे लगा था कि दिन लेट होता हो अगर रात लेट होती है तो, बहुत डिफरेंट है। 6 बजे तक तो इतनी पीक वाली धूप आ जाती है ना, हमारे यहाँ तो 6:30-7 बज जाती है आते आते जब प्रॉपर वाली धूप आती है। चलो अब कही है, ठीक है चलते हैं आगे। कैमल राइड तो हो गई है, चलते सैंड ड्यून्स को। बाय बाय अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स गो। हम लोग साथ हो गए स्कैम, एक लद्दाख समर कैंप था इसका नाम, और हम यहाँ गए थे नुब्रा समर कैंप। बहुत दिक्कत है एक्चुअली ना हमारे उनके जो हमारे एजेंट आए गए, उन्होंने नाम नहीं बताया, मैं कहीं भी ना पैंगोंग ना कहीं, गलत बात है। बता तो दिया उसने, कोई नहीं बता दिया उन्होंने पीछे समर कैंप पूरा उंदर में जाके, और हम वहाँ से 2.5 किलोमीटर फालतू आए। तो ये कुछ शाम का व्यू है यहाँ से, और हमारा मून ऊपर है।
तो अभी यहाँ पे खाना वाना खाने जाएंगे। और थोड़ी बहुत हमारी यहाँ पे डिबेट हो गई है अभी इन लोगों से, बहुत ज़्यादा ना मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कर्मा से आने के लिए कहीं भी। आपको अगर कोई 5,000 रुपये, 5,000 से भी ऊपर 5,500 का एक रूम है हमारे वहाँ पे एक, जो कि यहाँ के सबसे अच्छे रूम्स में से आता है। और यहाँ पे उन्होंने हमें 4,000 या शायद 4,000 का एक टेंट दिया था, इतना अच्छा टेंट भी नहीं है। मैं लास्ट टाइम आया था मैंने 2,200 का टेंट लिया था और वो इससे लेजिट बहुत अच्छा था। अब टेंट भी अच्छा नहीं है, ठीक है, वाईफाई नहीं चल रहा है यहाँ पे, एक बेसिक नेसेसिटीज़ तो होती हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पे वाईफाई है ही नहीं। मैंने यहाँ के ओनर से बात करी, यहाँ पे वाईफाई है। अभी देखो ये चीज़ है ना कि कितनी वो गलत है, अभी ये चीज़ गलत, तुम गलत गाइडेंस नहीं देनी चाहिए किसी इंसान को। कोई नहीं, अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूम्स तो ठीक ठीक हैं, कोई चक्कर नहीं उसके लिए। कौन है यहाँ के? हेलो। तो फाइनली रात हो चुकी है और ये सारे टेंट्स जो कि सारे फुल हो चुके हैं खाने का था। और स्टार्स वीडियो में तो नहीं दिख रहे, मैंने फोटो खींच लिए, मैं वो डाल दूंगा, इस पहले डाल दियो मैंने इनफैक्ट। तो आज का मैंने आपको सारा कुछ दिखा लिया कि हमने सिल्क रूट अभी इतना ट्रैवल किया है, बाकी बचा कुछ हम कल ट्रैवल करेंगे टुवर्ड्स तुर्तुक। थर्ड डे की आइटनरी कुछ ऐसी रहेगी, तो आप लोग फॉलो अप रखना। बट यस, मैं यहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग रिव्यू देखिए और देन आप लोग डिसाइड करिए कि आपको कहाँ पे रुकना रात को, क्योंकि एक वही चीज़ होती है, रहना इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि अगर तुम पे कर रहे हो फिर तुम्हें अगर नहीं मिल रहा कम्फर्ट तो इट्स वेस्ट ऑफ मनी। तो बस यही है कि अब रात को यहाँ पे स्टार गेजिंग वगैरह होती है, बट मैं थक रहा हूँ तो मेरे बस की तो है नहीं। कल देखेंगे, कल दूर तक जाएंगे, छोटा ट्रैवल होगा तो मे बी कल पॉसिबल हो पाए कि हम देख लें कल, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था 11 बजे तक, नॉट पॉसिबल। अभी 9:30 हुई है, 1.5 घंटा, नो चांस। तो आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो अगले ब्लॉग तक बने रहना, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, उन तक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए लद्दाख के बारे में। एक बेसिक चीज़ जो मैंने आपको दी है, दो बहुत लोग देते हैं बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय 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 बाय।